दरअसल कल मैंने एक पोस्ट डाली थी समता आवाज़ टीवी पर और अपने मनोज अंतानी की फेसबुक आईडी पर, जो पूरे देश के अंदर हमारे जो समता आवाज़ टीवी के जो जाबाज साथी हैं, जो आप लोगों तक खबरें पहुंचा रहे थे, उसमें से कुछ टीमों को बर्खास्त किया गया है, उसकी खबर मैंने डाली थी। उसी विषय में मुझे आप लोगों से अपनी जो जानकारी वो साझा करनी थी, क्योंकि समता आवाज़ टीवी जो चैनल है वो सामाजिक चैनल है, और ऐसा अचानक क्या हुआ कि इतनी सारी टीमों को बर्खास्त किया गया। समता आवाज़ टीवी पिछले लगभग 8 वर्षों से आपके बीच में काम कर रहा है, और जिस तरीके से काम कर रहा है वो सब बातें आप देखते रहते हैं समता आवाज़ पर, और किस तरीके से समता आवाज़ टीवी अपनी बात को प्रखर रूप से रखता आ रहा है वो भी आप समता आवाज़ टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। अब बात आती है कि क्यों बर्खास्त किया गया। जितने भी टीवी चैनल के जो लड़के और लड़कियां जो समता आवाज़ में काम कर रहे हैं, मेरी हमेशा से एक सोच रही है कि क्योंकि बाबा साहब माननीय काशीराम साहब और उनके बाद के जो हमारे सामाजिक राजनीतिक संगठन हैं, वो ये कहते रहे कि हमको मीडिया की बहुत सख्त ज़रूरत है और मीडिया की बहुत कमी हमारे बीच में है। तो जितने भी लड़के लड़कियों ने आज तक समता आवाज़ टीवी में काम किया है, उसमें से किसी भी एक भी लड़के लड़की को मैंने इनवाइट नहीं किया कि आप आइए समता आवाज़ टीवी में काम कीजिए। मेरे पास उन लोगों के फ़ोन आए, फ़ोन के माध्यम से ये क्या रहा है, वाइट वाइट मैं देखना ये क्या रहा है, जरा से बचा करना बाहर जा, अच्छा कमेंट है। तो जितने भी पूरे भारत के अंदर जो समता आवाज़ की टीम काम कर रही हैं, उनके मेरे पास का फ़ोन आए, उन्होंने मुझसे जुड़ने की गुजारिश की, मैंने उनको अपने साथ जोड़ा। हालांकि आज तक किसी भी पत्रकार से आइडेंटिटी कार्ड बनाने तक के पैसे मैंने नहीं लिए। अगर किसी ने पैसे दिए हो मुझे तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि अंतानी जी ने हमसे आई कार्ड बनाने के पैसे लिए हैं या किसी अन्य सुविधाओं के लिए पैसे लिए, वो नीचे खुलकर कमेंट कर सकता है। अब आती है बर्खास्त करने वाली बात। जब इन पत्रकारों के जो समतावाज की जिन जिन टीमों को बर्खास्त किया गया है, जब उनके मेरे पास फ़ोन आए तो मैंने उनसे कहा कि हमारा चैनल कॉमर्शियल चैनल नहीं है, सामाजिक चैनल है, और सामाजिक चैनल होने के नाते हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, वो भी बात रही, क्योंकि सामाजिक चैनल है, कॉमर्शियल चैनल नहीं है, ऐड हमको नहीं मिलते हैं, ना ही मनोज अंतानी के पीछे इतनी बड़ी कोई लॉबी जुड़ी हुई है जो मेरे को फाइनेंस करती हो समता आवाज़ टीवी को चलाने में। समता आवाज़ टीवी में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है मनोज अंतानी, वही संरक्षक है, वही डायरेक्टर है, वही रिपोर्टर है, वही एडिटर है, मतलब वन मैन आर्मी सिर्फ मनोज अंतानी है। मनोज अंतानी के अलावा समता आवाज़ टीवी में अगर कोई दिल से सहयोग कर रहा है तो मनोज अंतानी की वाइफ अर्चना अंतानी और 15 वर्षीय मेरा बड़ा बेटा रणवीर अंतानी, जो अपने स्कूल टाइम से टाइम निकालकर समता आवाज़ टीवी की जो वीडियो एडिटिंग है उनको करता है। आप समझ सकते हैं वीडियो एडिटिंग में कितना टाइम लगता है, उसकी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर हम एडिटर रखने की कोशिश करें, एडिटर रखने की सोचें, तो 25 से 30 हज़ार रुपये से कम का कोई एडिटर दिल्ली के अंदर नहीं है। हम लोग सैलरी नहीं दे पाते एडिटर की, इसलिए हम एडिटर भी नहीं रख पाते हैं। बीच में हमने एक मैडम जी रखी थी स्टूडियो में एंकरिंग के लिए, उनकी सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे, तो उनसे भी हमने माफ़ी मांगते हुए स्टूडियो ही हमने बंद कर दिया, क्योंकि ये सामाजिक चैनल है, कॉमर्शियल चैनल नहीं है। तो जिन लोगों को मैंने समता आवाज़ टीवी में ज्वाइन कराया, जिन लोगों ने मुझसे कहा कि सर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो मैंने खुलकर उनसे कहा कि हम आपको चैनल की तरफ से किसी भी तरह की कोई आर्थिक सहायता नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ जब आप फील्ड में काम करेंगे तो हमारा समाज इतना भोला भाला, इतना अच्छा समाज है हमारा, और वर्तमान में मीडिया की भूमिका को पहचान रहा है, तो आप जब भी कहीं फील्ड में जाएंगे तो वो आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता जरूर करेंगे। जो लड़के मेरे साथ पुराने होते चले गए, जिन लड़कों को 6 महीने का 1 साल का एक्सपीरियंस होता चला गया, मैंने उनसे कहा कि अब आप समता आवाज़ टीवी के साथ साथ अपना चैनल भी बना लीजिएगा। मैंने स्वयं एक संरक्षक होने के नाते उनका चैनल उनके फ़ोन में बनाया, उनको प्रेरित किया कि समता आवाज़ टीवी को अब नए पत्रकार चाहिए, आपको 1 साल हो गया है काम करते हुए, आप छोड़ दीजिए। वो लोग समता आवाज़ के भी साथ काम करते रहे और अपने चैनल को भी चलाते रहे। क्यों? क्योंकि समता आवाज़ टीवी से, समता आवाज़ टीवी की आईडी जब उनके चैनल के साथ लगती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज उनके लिए भी जाता है कि समता आवाज़ टीवी के पत्रकार हैं और साथ साथ अपना चैनल भी चला रहे हैं। तो ऐसे दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 40 लड़के हैं जिनके पास समता आवाज़ टीवी की आईडी है और वो अपना चैनल भी चला रहे हैं और समता आवाज़ टीवी के साथ अपनी आईडी भी लगा रहे हैं।
मुझे उस चीज़ से कोई परहेज नहीं है और मैं चाहता हूँ कि समता आवाज़ टीवी की आईडी लगाकर अगर आपको लगता है कि आपका चैनल आगे बढ़ सकता है तो बिल्कुल बढ़ाइए, मैं भी स्वागत करता हूँ इस बात का। लेकिन अब हुआ क्या, बाद में आईडी मिलने के बाद पूरे महीने में एक बार, दो महीने में एक बार कोई रिपोर्टिंग हुई खास, किसी अपने व्यक्तिगत जानने वाले की रिपोर्टिंग हुई वो दे रहे हैं, लेकिन आप समता आवाज़ टीवी में लगातार आप देख रहे होंगे कि मनोज अंतानी के अलावा या फिर कानपुर से हमारे अनु अंसारी जी हैं उनके अलावा बहुत कम खबरें हमको समता आवाज़ टीवी पर दूसरे जिलों से, दूसरे राज्यों से देखने को मिल रही थी। तो मुझे लगा कुछ ना कुछ परिवर्तन हमें समता आवाज़ में करना होगा, क्योंकि ये जो निष्क्रिय लड़के हो गए हैं जिन्होंने आइडेंटिटी कार्ड की मुझसे डिमांड की थी, मैंने उनको आइडेंटिटी कार्ड बनाकर दिए, तो मुझे लगता है कि हम उन लोगों को छटनी करें जो आइडेंटिटी कार्ड तो मांग रहे हैं, समता आवाज़ टीवी के साथ जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन फील्ड में जाकर समता आवाज़ की तरह, मनोज अंतानी की तरह फील्ड में जाकर काम करना नहीं चाहते हैं। तो ये वजह थी रात मैंने जो बर्खास्त किया और अनुशासनहीनता का जो आरोप लगाया वो समता आवाज़ टीवी की तरफ से लगाए, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है। जब आप किसी संगठन के साथ जुड़े हैं, समता आवाज़ टीवी के साथ जुड़े हैं और दो दो महीने तक कोई रिपोर्टिंग हमको नहीं भेजेंगे तो ये चैनल के प्रति आपकी अनुशासनहीनता ही है। मैं फिर एक स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर कह देना चाह रहा हूँ कि किसी भी लड़के लड़की को मैंने सैलरी पर नहीं रखा था समता आवाज़ टीवी पे। आप लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया, आप लोगों ने मुझसे गुजारिश की कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, मैंने आपको बताया कि आप जुड़िए, समता आवाज़ टीवी आपको सैलरी नहीं देगा लेकिन आपको मान सम्मान और आर्थिक सहयोग समय समय पर बहुजन समाज की तरफ से मिलता रहेगा, चाहे वो सामाजिक संगठन हो चाहे वो राजनीतिक संगठन हो। अब इस बात को मैं खुलकर नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ मीडिया कर्मी उन सबको पता है कि किस तरीके से आर्थिक सहयोग मिलता है और किस तरीके से आर्थिक सहयोग हमारे सामाजिक और राजनीतिक संगठन प्रत्येक पत्रकार को देते हैं। अब ये पत्रकार की गलती है जब वो पूरे महीने में एक या दो दिन निकलेगा तो उसको क्या मिल पाएगा फील्ड से, किस तरीके से वो समता आवाज़ टीवी के लिए रिपोर्टिंग भेज पाएगा और किस तरीके से वो अपने लिए आर्थिक संसाधन भी जुटा पाएगा। जब मैंने ये पोस्ट डाली तो मेरी पोस्ट पर हमारे बड़े ही कर्मठ साथी रहे, समता आवाज़ टीवी के बहुत अच्छे हमारे साथी रहे, राजेंद्र कुमार जो बस्ती से ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया मनोज अंतानी के ऊपर। आप कमेंट देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है कि मनोज अंतानी जी आज तक आपने किसी भी पत्रकार को मानदेय नहीं दिया है। बिल्कुल मैंने किसी को मानदेय नहीं दिया है, लेकिन कोरोना काल में मैंने अपनी जेब से लगभग 20-25 हज़ार रुपये खर्च किए और जिन लोगों के मोबाइल तक बंद थे उन लोगों के मोबाइल मैंने 1000-2000 रुपये से रिचार्ज कराए, अपने व्यक्तिगत संबंधों से उन लोगों को आर्थिक सहायता पहुँचाई। समता आवाज़ टीवी को इतना बड़ा चैनल नहीं है कि हम किसी को सैलरी दे पाएँ, लेकिन आज की तारीख में समता आवाज़ टीवी का बहुत बड़ा नाम है। मेरी गुजारिश रहेगी कि जो लोग रेगुलर काम करना चाहते हैं वो आएँ, लेकिन मुझे पर डे की एक रिपोर्ट ज़रूर चाहिए। अगर आप पुनः समता आवाज़ में जुड़ना चाहते हैं, राष्ट्रीय संरक्षक और सलाहकार माननीय आज़ाद साहब का नंबर मैंने पोस्ट में डाला है, समता आवाज़ टीवी पर भी और मनोज अंतानी की फेसबुक आईडी पर भी। मेरे पास कोई सीधा डायरेक्ट फ़ोन ना करें, राष्ट्रीय संरक्षक एवं सलाहकार से बात करें। अगर आप पुनः समता आवाज़ टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन ये आपकी मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी कि आप महीने में एक खबर भेजते हैं, महीने में दो खबर भेजते हैं, उससे रूटीन टूटता है, उससे लोगों के अंदर हमारी इमेज खराब होती है कि सर बस्ती का पत्रकार है महीने में एक खबर भेजता है, सर गुजरात का स्टेट हेड है वो एक भी खबर ही नहीं भेजता। अभी मैं 9 दिन के टूर कर अभी घर पहुंचा हूं, अभी हाथ मुँह धोकर नहा धोकर बस तैयार होकर फिर दोबारा फील्ड में निकल रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि 9 दिन का चिंतन शिविर था और सोने तक का समय नहीं मिला, वहां पर आप लगातार उसकी रिपोर्टिंग देख रहे होंगे। जब सारा ही काम मुझे करना है, गुजरात में हमारे स्टेट हेड है उनकी तरफ से किसी तरह का कोई हमको खबर नहीं मिलती है, बस्ती से कोई खबर नहीं मिलती है, गोरखपुर से कोई खबर नहीं मिलती है, बलिया से खबर नहीं मिलती है, बहराइच से कोई खबर नहीं मिलती है, गाजियाबाद से कोई खबर नहीं मिलती है, बनारस से कोई खबर नहीं मिलती है, मनाली से कोई खबर नहीं मिलती है, तो भाई जब मुझे ही अकेले को भागना है हर जगह हर तरफ तो फिर आप लोगों का क्या फ़ायदा है। इसलिए ये टीम बर्खास्त की गई है। आगे के लिए कुछ नियम कायदे कानून समता आवाज़ टीवी ने कड़े किए हैं, उन नियम कायदे कानून को जानने के लिए आप माननीय आज़ाद साहब जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक व सलाहकार हैं उनसे आप बात कीजिएगा, वो आपको समझाएंगे आपको किस तरीके से काम करना है। मैंने आपके ऊपर आरोप नहीं लगाए हैं लेकिन बर्खास्त करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो बताया है कि जितने भी लड़के काम कर रहे हैं समता आवाज़ टीवी के, हर एक का चैनल मैंने खुद बनाकर दिया है कि अगर आप समता आवाज़ टीवी के लिए साल भर काम कर रहे हैं तो अपने चैनल पर भी खबर लगाते रहें, कम से कम 1 साल या 2 साल के बाद जब आप
समतावास टीवी से हटेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका होगा और आपको भी यूट्यूब से 5-10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी और समतावास टीवी के माध्यम से आपका आपके क्षेत्र में नाम भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के 78 जिलों में से 45 जिलों में समतावास टीवी के लड़के हैं, लेकिन आपको कितने जिलों की खबर मिलती है कानपुर के अलावा आप मुझे बता दीजिएगा। और जो आरोप लगा रहे हैं वो स्वयं पिछले 3 महीने से एक खबर नहीं बेच पाए हैं और अपने चैनल पर लगातार उनके चैनल पर खबर मिल रही है। तो भाई जब मुझे ही अपने आप को काम करना है, मुझे ही भट्टी में झुकना है और मुझे ही समतावास के लिए सारा काम करना है तो फिर मुझे ऐसे स्टाफ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं फिर बता दूं कि आपने मुझसे जुड़ने के लिए कहा था, मैंने किसी भी लड़के लड़की को आज तक कोई प्रेशर नहीं किया है। ये बात थी जो मुझे अपने समाज के सामने रखनी थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब खबरें आती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, तो कहीं ना कहीं आरोप के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और उसके पीछे जो सफलता आप लोगों ने ली है अब तक समतावास टीवी से, उसको आप कभी नहीं बता पाएंगे। कभी नहीं बताएंगे कि समतावास टीवी के नाम से आपकी इतनी पहचान आपके ज़िले में हुई है, पूरे प्रदेश में हुई है, प्रदेश ही नहीं देश में हुई है। लेकिन अब आप ये आरोप लगाएंगे कि आप, मैंने आज तक किसी को मानदेय नहीं दिया? क्या मैंने कभी आपसे आई कार्ड बनाने के पैसे लिए, 50 रुपये भी लिए? अक्सर आरोप लगते हैं, आप देखिए जाके दूसरे चैनल पर आरोप लगते हैं कि 500 रुपये ले लिए, 1500 रुपये ले लिए, 2000 रुपये ले लिए, उसके बाद आई कार्ड बना के दिया है। समतावास टीवी ने पिछले 8 साल से अपने किसी भी पत्रकार भाई बहन से 1 रुपया नहीं लिया है, ना ही 1 रुपया दिया है। हाँ, मदद जरूर की होगी, जब कभी किसी के घर में कोई आर्थिक संकट आया होगा तो 1500 रुपये की जितनी मेरी औकात है उतनी मैंने मदद जरूर की होगी। आप चाहेंगे तो मैं अपनी बैंक डिटेल सारी यहाँ पर इसके नीचे डाल दूंगा, आप चाहेंगे तो मैं अपना टोटल जो मेरा उसका पेटीएम का जो मैंने पेटीएम किया है वो डाल दूंगा और जिस जिस लोगों ने मुझे आर्थिक सहायता दी है वो भी अपने स्क्रीनशॉट डाल दें। तो ऐसा नहीं है, मेरी नाराज़गी किसी से नहीं है, सभी पत्रकार भाई मेरे अपने हैं, लेकिन जो समतावास टीवी की साख है कहीं ना कहीं उसके ऊपर बड़े प्रश्न चिन्ह इस गुजरात के चिंतन शिविर के दौरे में लगे, क्योंकि गुजरात के जो स्टेट हेड हैं, गुजरात के जो 3-4 ब्यूरो चीफ हैं, वो 7-8 दिन चिंतन शिविर पहुँचे ही नहीं, एक भी दिन नहीं पहुँचे। बार बार फ़ोन करने के बाद भी उनको पता था मैं गुजरात आया हुआ हूँ, वो मिलने तक मुझसे नहीं आ पाए। मैं बनारस जाता हूँ, अकेला काम करता हूँ, नहीं पहुँचते हैं। माने बहन जी की रैली हुई लखनऊ का, मेरा जो ब्यूरो चीफ है लखनऊ का वो नहीं पहुँचा, बस्ती का ब्यूरो चीफ, उसको पता चला कि अंतानी जी आ रहे हैं वहाँ पर, माने राजेंद्र प्रसाद जी जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो वहाँ समतावास के माध्यम से वहाँ पहुँचते हैं लेकिन समतावास की आईडी को लेकर नहीं जाते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि जब आपको पता था मैं आया हूँ तो आपको आने की जरूरत नहीं थी, क्यों आपने किराया भाड़ा अपना खर्च किया, तब वो बोलते हैं कि नहीं सर, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। हम मुझसे मिलने के लिए आए हैं और अपने चैनल की आईडी लाए हैं। अच्छी बात है, आप अपने चैनल की आईडी लाए हैं, रिपोर्टिंग कीजिए, लेकिन समतावास टीवी ने जितना मान सम्मान प्यार मोहब्बत आपको दिए उसको भी तो लोगों को अवगत कराइए। ऐसा नहीं चलेगा कि इंसल्ट करने के लिए आप आगे आएंगे और जो नाम प्रतिष्ठा आपने समतावास टीवी के माध्यम से कमाई है उसके बारे में लोगों को नहीं बताएंगे। ऐसा होगा तो फिर मुझे फिर दोबारा लाइव आकर अपनी बात को रखना पड़ेगा। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि क्यों ये जो पूरी टीम थी, जितने जिले और जितने प्रदेशों के बारे में मैंने लिखा था उनको बर्खास्त किया गया है, क्योंकि समतावास टीवी की प्रतिष्ठा इसके बीच में लगी है। आप लोग समतावास टीवी के बहुत मजबूत स्तंभ हैं, लेकिन समतावास टीवी को खबरें नहीं भेजेंगे तो आपकी जो स्तंभ है वो टूट जाएंगे। मैंने स्वयं आपको अपने चैनल बनाकर दिए कि आप अपना चैनल भी बनाइए, काम भी कीजिए, लेकिन अब आप ये आरोप लगाएं कि मनोज अंतानी हमको मानदेय नहीं देता है। तो ये बात तो पहले दिन जब आपने समतावास टीवी ज्वाइन किया था पहले ही दिन मैंने कहा था कि हमारा चैनल सामाजिक चैनल है, कॉमर्शियल चैनल नहीं है। मैं आज पुनः बता दे रहा हूँ आपको कि समतावास टीवी एक सामाजिक चैनल है, कोई कॉमर्शियल चैनल नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि अंतानी जी आपको तो केपी चौधरी साहब बहुत बड़ा मोटा फाइनेंस करते हैं। केपी चौधरी साहब, जब मेरा 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, जब मेरे पैर का ऑपरेशन होना था, तब माननीय केपी चौधरी साहब ने अपने संगठन के माध्यम से मुझे मात्र 25,000 रुपये दिए थे, जिसमें के लगभग 2.5 लाख-3 लाख के करीब का जो ऑपरेशन का खर्चा आया था और उसके बाद 3-4 महीने जो दवाइयाँ चली थी 1-1.5 लाख की, वो अलग। चौधरी साहब के माध्यम से सिर्फ मात्र 25,000 रुपये का आर्थिक सहयोग व्यक्तिगत रूप से मनोज अंतानी को दिया गया था, समतावास टीवी को नहीं।
आज तक उन्होंने जो भी सहयोग किया है, जैसे दूसरे दूसरे मीडिया कर्मियों को सहयोग दिया है, उसी तरीके से मुझे भी सहयोग दिया है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि आप तो लगातार चौधरी साहब की खबरों को दिखाते रहते हो, मुसाफिर सर की खबरों को दिखाते रहते हो। मैं इनकी खबरों को इसलिए दिखाता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि ये लोग समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोग समाज के लिए दिन रात खड़े हैं। अभी केवी चौधरी साहब ने समाज हित में अपना जो क्योंकि वो खुलकर काम नहीं कर पा रहे थे, सरकारी नौकरी में थे, तो उन्होंने अपना VRS लिया है, उन्होंने अपनी नौकरी को लात मार दी। और अब आप देखिए जिस तरीके से वो बढ़ चढ़कर समाज में काम कर रहे थे, अब वो बढ़ चढ़कर राजनीतिक रूप से समाज की, हमने कई बार उनसे कहा पिछले 3-4 साल से कि चौधरी साहब आप जैसे लोगों को, आप जैसे नेतृत्वकर्ता को तो कहीं ना कहीं लोकसभा में होना चाहिए था, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो बहुत प्रेशर उनके ऊपर था, तो मुझे लगता है कि अब वो लोकसभा जाने की तैयारी करेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को जब हमारी राजनीतिक स्वयं की पार्टी नहीं उनको अप्रोच कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं तो राजनीतिक ढांचे खुलेंगे। जब माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी बसपा में रहकर समाज के लिए काम कर सकते हैं, तो क्या माननीय KP चौधरी साहब RLD में रहकर हमारे समाज के लिए काम नहीं कर सकते हैं। तो इन सब बातों के बारे में मैं आपको रिपोर्टिंग दिखाऊंगा, लेकिन आज का जो चर्चा थी वो चर्चा थी कि इतनी बड़ी टीम को क्यों बर्खास्त किया गया है। और जिन लोगों को बर्खास्त किया गया है वो मेरे अपने लोग हैं, वो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ऐसा क्यों हुआ है, इसलिए मैंने किसी के नाम नहीं खोले हैं। आप व्यक्तिगत रूप से मोटिवेशन लीजिए और कहीं ना कहीं आज़ाद साहब से बात कर इस बारे में तसल्ली दीजिए और विश्वास दिलाइएगा कि आज के बाद जब आप पुनः ज्वाइन होंगे समता आवाज़ में, तो कहीं ना कहीं जैसे मनोज अंतानी जिले जिले जाकर, प्रदेश प्रदेश में जाकर काम कर रहे हैं, आप लोग भी उसी तरीके से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों ने मेरी वीडियो को सुना, मेरी बात को सुना। मेरे अंदर जो दर्द था एक मीडिया कर्मी होने के नाते, बहुजन मीडिया कर्मी होने के नाते, तो उस दर्द में आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमोबुद्धाय, जय भीम आपका। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना और सुनने के बाद आप समझेंगे भी और एक निर्णय तक भी पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।